यार राम मेरे को तो हमको जो जो जवान हमको हमें के हाँ बढ़ना तो भी हॉबी चलेगा ना तो भी हॉबी चलेगा गुस्सा करना तो भी हॉबी चलेगा और ये मेरे को दहेज में मिला था मेरी बीवी को वैसे हॉबी का कोई मतलब नहीं था और सबसे अच्छी बात बोलो तो भाई ये है कि हॉबी का मतलब आज राम मेरे को सबसे बड़ी बात भाई को सब्सक्राइब करो शेयर करो भाई को ज्यादा से ज्यादा राम राम जी। मैं राजेंद्र राजपूत कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ और थे देखे हो मारो राजस्थान टाइम्स और आज जी हाँ की मैं तेरा बता रहे आके एक बिहानी गांव के अंदर गोरी दादी को एक भव्य मंदिर है बड़े जागरण चल रहे है और वह जागरण के अंदर थोड़ी देर पहले था लाइव दिखाया और वह जागरण की आज की जान जकी है वह जागरण की जकी ने माहौल जगह बना रखे है और जगह रात का उड़ा डटेड है मैं थाने बतायो भी हाँ कुछ ही देर में आप लोक गायक लोक कलाकार हरियाणवी इंडस्ट्री की शान और पूरे देश विदेश के अंदर जगह पहचान बना चुका है अपने सगे वह राम रमेला जी आहो भी राम रमेला जी राम राम जी भाई साहब रात का थे आयड़ा हो रहे रात का रुक रहे हो क्या क्या चीज लागे उधर कई बार क्या हो बड़ी बड़ी रात की सेलिब्रिटी हो घंटा डेढ़ घंटा रुके चली जाए मैं सुनियो कहते रात का रुक रहे हो आने कह के रुक गया क्या बीबी थरों जागे ना वो पूरा करके जाऊ पता है कि हम यहाँ जगराते के लिए अरे पिछले 15-20 दिन से एक महीने से तैयारी वैरी कर रहे हैं पूरे गांव ने पूरी टीम ने पूरी कमेटी ने जवानों ने बुजुर्गों ने सबने इतनी मेहनत करी और एक प्रोग्राम करवाना ऑर्गेनाइज करना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी की बात होती है दाल पान पकाना उनका चाय पानी का पहनने की व्यवस्था करना और अचानक के काल में जो बारिश हुई आपको देखा था और बारिश भी उस वक्त इस वक्त जाकर शुरू करना था आप रात का उड़े ठहरे हो तो थारो चार्ज तो रहे हैं मैं सुना आप मिनट और घंटा पर रहे तो आज दिन को भी एक्स्ट्रा चार्ज देंगे ना जी ऐसा कुछ नहीं है कि देखो जो इस साल में हमारी बात है अगर हम दिन को आज नहीं आते तो आप एक बार इस कमेटी ने 15-20 दिन खर्चा में लाए थे इतना अगर वो प्रोग्राम नहीं करते हम अपनी लपड़ देंगे तो ये इंसानियत का दर्द है ना ये भाईचारे का दर्द है और मैं आपको पता कि मैं नाम लिया कि लोक कलाकार इसलिए देहात से धरती से जुड़ा हुआ कलाकार हूँ मुझे बहुत शायद यहाँ से पैसे वैसे नहीं मैं चला गया था मेरे गाँव को पता लगा जनता शायद कोई बात नहीं होती उसी चार इंसानियत के रहते भाईचारे के रहते भाइयों को प्यार देखते हुए हमने मतलब थारी फरमाइश के ऊपर दिन में प्रोग्राम रखे थारे कहने पर वो कमेटी के साथ और हमारा कलाकारों के साथ बहुत तालमेल कल बारिश के बाद प्रोग्राम में बाधित हो गया सभी का पूरा लगे थे इतना खर्चा रखने के बाद प्रोग्राम रामेल जी एक नयो चमत्कार गलतियों का जागरण रात को है अगर देख को समा बांध रखे हो क्या दिन के टाइम में इतनी भीड़ है क्या जबरदस्त भीड़ है मैं देख रहा इतनी ज्यादा माता महिला बहना मतलब इतना ज्यादा का कम है वो जागरण मानो कुछ हो गई क्या वो दिन में जागरण के दौड़ लगे से बोल रहा था लोगों ने दिल से सुना ऐसे इसके
भगत खड़े आप कैश का आप जबरदस्त फैन है। बोले यार राम मेरे गुस्से हो जो जवान हमको मतलब नाच से इतना कसूर तो नाच कर लग रही है क्या मतलब है मैं लगे भोलो बाबा नाचन लग रही है मैं क्या एनर्जी से की फिल्म होवे अंदर थी कि भाई स्टेज की था स्टेज तो हमारे लिए जिंदगी का देश जो है और सबसे बड़ी बात बात ने एक बार कर मेरा टारगेट भी रही बार मुंडे मैं अब 43 वर्ष का बेटा था राजी भी 60 साल का बंदा भी भाई मैंने राजी भी 60 साल का बंदा भी हुआ था लगता है मोदी भी 60 साल का बंदा ही हुआ लगता है और यहाँ तो सारे उम्र थोड़ा सारे उम्र थोड़ी हो गया कई बार दबड़ी लगी जैसे बॉलीवुड में बुढ़ापा छेप नहीं कैसे ऐसे राम बुढ़ा रहना बस तभी बुढ़ापा छेप मतलब एनर्जी जो की है वह एक जवानी की है वो क्या है बच्चे को आज की एनर्जी जा रही है गाना नहीं गाओ जड़े भाभी लाट देता है एक तरह भोला बाबा मतलब बड़ा करते वो जो मिश्रण है जो मिक्स है वो क्या तैयार कर आपने साफ साफ कह दिया कि समय की डिमांड है समय की मांग है जो जैसा हिट दिखता है वैसा ही वो फिट होता है इसमें आजकल एक और सिस्टम है आजकल सिर्फ ये नहीं कि आपने अच्छा लिख दिया या एक सिंगर ने अच्छा गा दिया फिर अच्छा म्यूजिक तैयार हो गया उसका अच्छा वीडियो तैयार हो गया यहाँ तक सीमित नहीं है हरियाणा राजस्थान की इंडस्ट्री में ना पंजाब की इंडस्ट्री यहाँ तक उसके जितना अगर 5-4 लाख रुपए 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए आप प्रोडक्शन में लाते हो उतना ही पैसा आपको प्रमोशन में मिलेगा अगर आपने 5-4 लाख रुपए तो आपके आपके गाने मिलियन में जाएंगे आप कितना ही अच्छा बना लो जब तक आपका प्रमोशन पे आप पैसा नहीं लाते तो फिर इतना मिलियन में नहीं जाएगा लेकिन मेरी एक थ्योरी नहीं है बाबा कन्वर ग्रेवाल जी हैं गुरदास मान जी का मेरा फैन आया और वो बहुत गुरदास मान जी थे उन्होंने एक बात की मेरे 60 बंदे थे लेकिन मेरे को अर्जुन थे मेरे को पैसे वाले नहीं जैसे एक गाने पर प्रमोशन लगा 1 मिलियन वे ले दी क्या भाई था मेरे इससे बेटर यही कि मेरे को 500 लोग होने देगा वो 500 की बगैरा मैंने बना नहीं काम बस मेरे को अर्जुन थी फैन हो वो पक्के हो फेक ना हो आपका कहना ना फेक का तो जिंदगी में गुरू जी जी आप एक गांव से आते हैं छोटे से गांव से आते हैं जबकि सुना गया है कि आपकी जो
आप कह सकते हैं बुढ़े बुजुर्ग में जो की धरती है वहाँ राजस्थान में कौन सा गाँव है? सिद्धमुख के रहने वाले। सिद्धमुख से मेरे दादाजी हरियाणा में गए थे गाँव गाय का वहाँ मेरे दादाजी वहाँ से रहते तो मैं जो हरियाणा में चौथी पीढ़ी चार पीढ़ी पहले और आज में सबसे बड़ी बात बताओ कभी सिद्धमुख जाना पड़ा जो मेला चौक हमारा क्षेत्र है मेला जो चौक है मेला जो परिवार वहाँ पे आज भी मेरे दादाजी का मकान मौजूद है और सारे बड़े बुजुर्ग मेरे दादाजी को अच्छी मतलब आपकी जो पृष्ठभूमि है वो राजस्थान से जबकि आपकी कर्म भूमि है वो हरियाणा से आप कह सकते हैं। असर एक सवाल और उठता है कि आपके सिर के ऊपर एक पीछे जो कुल्हाड़ी उसके पीछे क्या राज है सर? उसके पीछे जो राज है वो बताओ। देखिए मैं बताऊँ एक गंदे सिर के पीछे क्या राज है? नहीं सर वो एक अलग यूनिक सर नहीं यूनिक यूनिक ये भी है ना कलाकार तो बड़े बड़े बालों लगे रखते हैं है ना तो ये एक आर्टिस्ट का मतलब होता है कि आपकी एक अलग ठीक है अलग पहचान के लिए। वैसे मैंने 2013 में एक गाने में रैप बढ़िया था राजू पंजाबी भाई ने वो गाया था और हरियाणा का पहला डीजे ब्लास्ट राजू भाई का वही गाना था पहले सुन दिया था उसमें चार लाइन का मेरा रैप था तो उसके लिए मैंने ये उससे जो लुक आया तो सभी साथियों ने कहा कि कुछ दिन यही है। उसके बाद नेक्स्ट गाना हमारा है भोड़ा भाई जो ऑल इंडिया नहीं मैं तुम्हें क्या बड़ी विदेशों तक उसके बाद पहचान ही बन गई। रही बात गाड़ी की तो मैं ना तो किसी को सुन के गाने देखे और ना ही किसी को देख के कुछ करा जो मेरा पर्सनल है जो बार बार है मैंने उसको एक दिन कहा कि तू खुद ही यार कुल्हाड़ी छापते बोले बाबा वैसे मोस्टली बाबा ही कहते बाबा ये कहा देखना देखा नहीं अच्छा लगेगा तो रख लेंगे बाड़ी तो काटनी है और उससे गाने उससे कुल्हाड़ी वाले लुक के बाद हमने गाना करा छोड़ा दुनिया और भाभी लाड़ लगाए जाए उसके बाद आज दिक्कत ये है कि मतलब मेरा मुंह देखने के मेरी बुटीक देखना यही बात मेरे साथी कलाकार पुलार भगना वो भगना जी वो एक बात कहते हैं बोले रहना पहला कलाकार जिसके पीछे नंबर प्लेट लगी हुई है जिसको पीछे चलो पहचानते हैं बस वो वैसे दिमाग में आ गया था जैसे यार भाभी लाड़ लगाए साथ नहीं थे यार ये कोई नई बात नहीं आप ही यही चाहते हो कि आपकी लुवाई कराते बस बात नहीं थी आराम यही पूछा बस यूं ही करके जब जैसे तरीके से हरियाणा और राजस्थान की थोक पे थोक शोक पड़ गए। मैंने ये थोड़ी सोचा था कितना बड़ा ब्लास्ट जिस तेज सिंचाई था उसमें कहा जाता कि आप बैठे बैठे गुनगुना रहे थे उसको मुर्गा लिख दिया कर दिया वो एक सुपरहिट बढ़ गया ऐसा ही कुछ था उसके अंदर नहीं मेरे हरियाणवी और राजस्थानी तीन साढ़े तीन चार शोक बनाए और मैंने आज तक एक ही गाना घर से लिखे वही स्टूडियो में लिखा गया एक दिन आए थे राजू भाई के साथ मेरा बहुत लंबा करियर अच्छे से लेकर के तो जैसे राजू के साथ अगर काम करना है राजू को क्या मैं उस पर वर्क या मेरे कंपनी प्रोड्यूसर को क्या हम उस पर वर्क या हमारे मॉडल को क्या जिसके डांसर पे गाना बन रहा है उनको क्या चाहिए वो गाने उनके गाने दो तरह से लिखे जाते हैं एक तो सोच से लिखा जाता है एक सोच के लिखा जाता है सोच के तब लिखते जब किसी को बड़ा अच्छी और सोच से तब लिखा जाता है और सोच से लिखा जाता है। समय का अभाव है आपके पास खत्म होगा। एक आखिरी सवाल आहो भी और बाबा ये दो टैग लाइन कैसे काम बाबा तो पता नहीं कब से कहने लगे हैं अभी नए बच्चे जितने बाबा ही करना एक तो मैं आज लेके नहीं आया दौड़ाता हूँ देखा होगा जी जी मैं भगवान को अच्छा लगता हूँ और ये डेरी में सही ना चुनगा कुर्ते पजामे में रहना और क्योंकि एक संत ने मेरे को कहा था डेरी में सही अच्छा बुरा मैं पहले किसे सुनाता हूँ सबके पास संत को होता है जिसकी सारी सही संतुष्टि होती है बिल्कुल अगर हमारा जी संतुष्टि नहीं हो रही और जब तक आप कपड़े पहन के शिष्य के आगे खड़े होते ये देखोगे कि मैं लोगों को कैसे दूंगा तब तक संतुष्टि नहीं होती। आप कपड़े पहन के अपने आप से पूछो कि आप इन कपड़ों में कंफर्ट कितना तब संतुष्टि संतुष्टि है। उसी के बाद हम तेरे में सही नाचो या साथन है जैसे गाने हमने दिए सही के स्वागत हमने दिया
उसके बाद इसी ड्रेस कोड में आ गए। बस फिर भगवान को देख के फिर रही बात आओ भी, ये हरियाणा का साइलेंट शब्द है जिसका बेसिकली शाब्दिक कोई अर्थ नहीं है। हाँ बढ़ना तो भी आओगी चलेगा, नाचना तो भी आओगी चलेगा, गुस्सा करना तो भी आओगी चलेगा। और ये मेरे को दहेज में मिला था, मेरी बिल्ली बोल ये मेरे को दहेज में मिला है। रामेर मेला बाप ने दिया तो थोड़ा रख लेते हैं, सोच के आओगी पूछा जाता है जी कि रामेर मेला कौन से आओ भी। हाँ आओ भी, ये आशीष से आगे तो हरियाणा जी आगे बोलती है आओ भी, गवर्नमेंट बोलती है। मेरे को भी अच्छा लगा, मैं शब्द हरियाणा ठेक शब्द है और साइलेंट शब्द है। वैसे हॉबी का कोई मतलब नहीं था, और सबसे अच्छी बात बोलो तो भाई ये है कि हॉबी का मतलब आज रामेर मेला कह सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप हमारे चैनल पर और हमारे चैनल के दोस्तों का क्या कहना चाहिए। देखो खुश रहो, स्वस्थ रहो और खुश रहने का एक ही तरीका है खुश रहो। और सबसे बड़ी बात भाई को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में देख रहा हूँ वो सरकार की रिमोट से चलती है, असली न्यूज ग्राउंड की खबरें और ओरिजिनल बातें आपको भाई जैसे न्यूज़पेपर पत्रकार है वो आपको बताते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया करो। और इन लोगों का सहयोग हमें पिछले एक साल देखा भी था, माल था ये उनको कोई लोग ज्यादा से मतलब नहीं थे, उनको सिर्फ भाई से मतलब नहीं है और ना किसी पैसे में काम करते हैं। इसके लिए भाई बहुत बहुत नेक्स्ट प्रोजेक्ट बेटे के साथ ले गया पता नहीं क्या। हाँ पाँच छह गाने किए कौन से कौन सकता है एक जो भी देखो अभी म्यूजिक तैयार हो रहा है जिसमें बेटेनी म्यूजिक तैयार किया मिस्टर मेला के नाम से करते हैं और उसके अंदर दो गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं और दो गाने बेटेनी गाने हैं और उसके अलावा एक गाना राजू भाई ने गाना है, दो गाने जी वो एक साथ ही प्रोजेक्ट लेकर बहुत ही जल्दी। हाँ ये वादा करते हैं प्रमोशन का सही धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लोक गायक रामेर जी मेला आहोबीर और बाबा के नाम से जिनको पदवी मिल चुकी है और जो माहौल बना देते हैं, जो पूरी तरह एक साथ शुद्धता और सादगी से जुड़े हुए हैं कह सकते हैं आज की इस इंडस्ट्री के अंदर। आप भी इनके साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम इनसे मिलते रहेंगे, आपको मिलवाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।